Hey friends, welcome back to my channel and you are watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टोमेटो अनियन का एक पेस्ट जिसको आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं और ये टोमेटो अनियन पेस्ट इंस्टेंट मिक्स की तरह वर्क करने वाला है। अरे बहुत ही कमाल की चीज़ है, अगर आप वर्किंग वेमेन है ना देन श्योरली आप इसको बनाकर अपने फ्रिज में स्टोर कीजिए और फिर आप देखेंगे इसका कमाल। अगर आपको झटपट से ऑफिस जाना है और सब्जी बनानी है या फिर आपको दाल बनानी है, बस आपने डाला थोड़ा सा पेस्ट, थोड़ा सा दाल और थोड़ा सा पानी और लीजिए आपकी दाल फ्राई बिल्कुल रेडी है। अगर आप 2 मिनट्स मैगी बनाना चाहते हैं 2 मिनट्स मैगी भी आप इससे बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप इससे बना सकते हैं, स्नैपशॉट आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें मैंने इससे बनाई हैं। आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार इसको बनाकर रख लीजिए, हफ्ते 2 हफ्ते आप इसको ईजिली स्टोर कर सकते हैं और आप चाहें तो उसको महीने भर भी स्टोर कर सकते हैं। तो है ना कमाल की चीज़। मार्केट में जो इंस्टेंट मिक्स मिलता है ना बहुत कॉस्टली आता है, लेकिन ये इंस्टेंट मिक्स आप अपने घर में बना सकते हैं, बहुत ही कमाल का है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को स्टार्टिंग टाइम तक ज़रूर देखें, लास्ट में कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसकी वजह से आप इसको लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज में यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन फटाफट से ग्रे कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कॉमेंट्स करके बताइए आपको आज का ये इंस्टेंट मिक्स कैसा लगा। कोई क्वेरीज हैं तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ज़रूर लिखें, आपके कमेंट्स का मोस्ट वेलकम है। जल्दी जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि कैसी लगी। तो फिर देर किस बात की है, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी इसकी रेसिपी, लेट्स गेट स्टार्टेड। टोमेटो अनियन ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं प्याज, आधा किलो प्याज लिया है, इसको अच्छे से पील कर लिया है और इसको वॉश कर लिया है, और उतना ही हमने टमाटर भी लिए हैं। आप चाहें तो टमाटर और प्याज की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्याज पसंद नहीं है तो आप प्याज आधी रख सकते हैं और टमाटर उसका डबल रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर प्याज और टमाटर सेम क्वांटिटी के लिए हैं। अब प्याज को मैं ऐसे रफली चॉप करते हुए मिक्सिंग जार में ऐड कर दूंगी और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना दूंगी। प्याज में अगर कुछ गंदगी निकलती है तो उसको अलग कर दीजिए, गंदी या फिर गली हुई प्याज इस ग्रेवी में ऐड ना करें, अदरवाइज आप जो मिक्सचर बनाने वाले हैं वो जल्दी खराब हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर प्याज को काट कर मिक्सिंग जार में ऐड कर दिया है, टमाटर यहाँ पर वॉश करने के लिए रख दिए हैं। अब हम इसका लिड लगाकर इसको फटाफट से चर्न कर लेते हैं और चर्न करने के बाद आप देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप से पेस्ट फॉर्म में आ जाना चाहिए। 3 से 4 मिनट तक चर्न करेंगे तो परफेक्ट पेस्ट फॉर्म में आ जाता है। जस्ट लुक एट दिस, इस टाइप का पेस्ट आपको बनाना है। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक नॉन स्टिक पैन और इसमें मैं ऐड करूंगी ऑयल। आप जो भी रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं वही ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा आपको लग रहा होगा कि ऑयल ऐड किया है, लेकिन आपको थोड़ा ज्यादा ऑयल ही ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसे प्रिजर्व करके रखना है, तो ये ऑयल ही इसमें एज अ प्रिजर्वेटिव वर्क करेगा। ऑयल अभी स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन जब प्याज और टमाटर इसमें भुने जाएंगे तो ये प्याज और टमाटर अच्छे से इस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आपको एट द एंड ऑयल बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं कैसे मैं इस प्याज को इसमें फ्राई कर रही हूँ साइड बाय साइड। जब तक प्याज फ्राई हो रही है तो हम टमाटर को भी चर्न कर लेते हैं और इसको अलग रख देते हैं। यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर चुकी हूँ, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जरूर चेकआउट करें। मैंने यहाँ पर 2 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप प्याज जब चर्न कर रहे थे मिक्सिंग जार में तो उसी टाइम पर आप लहसुन और अदरक भी ऐड कर सकते थे। अब मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा सॉल्ट ताकि प्याज अच्छे से पक जाए। तो इस तरीके से प्याज को मैं लगातार चलाती रहूंगी, अदरवाइज नीचे पैन में लग सकती है। प्याज आधी कुक हो गई है, इस स्टेज पर जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई थी वो भी इसमें ऐड कर दी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर प्याज अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड किया है थोड़ी सी हल्दी, उसके साथ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ सूखा धनिया पाउडर, उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूंगी थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला, सूखा धनिया पाउडर, हल्दी और उसके साथ में ऐड कर रहे हैं लाल देगी मिर्च, जो इसको देगी एक बहुत ही अच्छा सा कलर। ये बेसिक से मसाले हैं, आप इन सबको इसमें ऐड कर दीजिए ताकि आप जब भी कोई सब्जी बनाएं तो उसमें ये ऑलरेडी सारे मसाले पहले से ही रहेंगे। तो आपको बस झटपट से वेजीज डालनी है, पानी डालना है और ये ग्रेवी डालनी है, बाकी कुछ डालने की जरूरत नहीं है और आपकी सब्जी कुछ भी चीज
जल्दी से रेडी हो जाती है। तो अब मैं यहाँ पर इसको ढककर पका रही हूँ। टाइम लेती है पकने में लगभग आपको 20 से 25 मिनट या फिर आधा घंटा आराम से लगेगा। इसको बीच बीच में चलाते रहिए और ढककर पकाइए, क्योंकि जब ये गर्म होती है और बन रही होती है तो इसमें से बबल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपका कुकटॉप गंदा होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए बेस्ट होगा कि आप इसकी लिड लगाकर ही इसको पकाइए और बीच बीच में इसको चलाते रहिए। चलाने के बाद अगेन इसको ढककर रख दीजिए। बीच बीच में आपको 4 से 5 बार ये प्रोसेस करना है और इसको आप बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाइए। जब आपको 20 से 25 मिनट हो जाए, आपको लगे कि इसने साइड से ऑयल रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है, उस स्टेज पर आपको फ्लेम ऑफ कर देनी है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ग्रेवी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है और ऑयल भी धीरे धीरे से रिलीज कर रही थी, तो मैंने यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। ठंडा होने के बाद आप किसी भी एक कांच के जार में इसको स्टोर करके फ्रीज में रख सकते हैं। ये ग्रेवी आपकी 2 हफ्ते तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी अगर आप इसे फ्रीज में स्टोर करते हैं तो। लेकिन फ्रीज में आपको इसे साइड वाले डोर में नहीं रखना है, क्योंकि वहां पर कूलिंग थोड़ी कम होती है, तो इसे फ्रीज में अंदर की साइड ही रखें। फ्रीजर में भी नहीं रखना है, फ्रीज में ही रखना है। 2 हफ्ते तक बिल्कुल खराब नहीं होगी। अगर आप इसको चाहते हैं 1 मंथ तक यूज करना, तो आप इसे किसी भी आइस ट्रे में फ्रीज करके और फिर इसको जिप लॉक बैग में रखकर स्टोर कर सकते हैं, और जब आपको यूज करना है तो एक आइस क्यूब के जैसा ये क्यूब निकाल कर यूज कर सकते हैं। होप कि आपको आज की रेसिपी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। आप देख सकते हैं जैसे कि ये सांभर है, मैगी, छोले, ये सब मैंने इस ग्रेवी का यूज करके ही बनाए हैं और बहुत ही डिलीशियस बने हैं। अगर आपको इन सब की भी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।